Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। So guys, आज जो है हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो है सब जगह पे डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सीखने जरूरी हैं अगर वाकई सक्सेस होना चाहते हो आज के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं 15 ऐसे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मार्केटिंग रिसर्च। आपको जो मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए। दूसरा हमारे पास में यहां पे है वेबसाइट बिल्ड करनी आनी चाहिए। तीसरा हमारे पास में SEO सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में ईमेल मार्केटिंग आपको आना चाहिए। देन आपके पास में गूगल एनालिटिक टू ट्रैक एवरीथिंग। यू शुड नो हाउ टू डू अ गूगल एनालिटिकल, बिकॉज गूगल एनालिटिकल एक ऐसा आप प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके क्लाइंट्स या फिर आपकी खुद की वेबसाइट का इन एंड आउट देगा कि कौन से ऐसी सेक्शन है आपका, कौन सा ऐसा पेज है आपके वेबसाइट का जिस पे सबसे ज्यादा लोग जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा है। तो ये जो क्रिस्टल क्लियर जो आपको देता है डिटेल और कौन सी ऐसी लोकेशन है जहां से आपके पास में ज्यादा ट्राफिक आ रहा है, तो गूगल एनालिटिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, राइट? आप उसको कहां पे कैसे टारगेट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है 6th, द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कैसे आपको करनी है, ब्रांडिंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये आपको आना चाहिए। देन उसके बाद में कंटेंट मार्केटिंग, बिकॉज कंटेंट इज अ किंग। कल भी कंटेंट किंग था, आज भी कंटेंट किंग है और आने वाले समय में भी कंटेंट ही किंग रहने वाला है, बिकॉज कंटेंट जो है वो एक ऐसा जरिया है जहां से हम आसानी से इसके जरिए हम अपने राइट टारगेट ऑडियंस तक जो है पहुंच सकते हैं, गूगल के पेज नंबर 1 तक आ सकते हैं। सो कंटेंट आपकी जो मार्केटिंग है, कंटेंट जो है ये आपको सीखना पड़ेगा, राइट? देन आपके पास में पेड मार्केटिंग की बात करें या फ्री मार्केटिंग की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहां पे गूगल एड्स के बारे में पता होना चाहिए। गूगल एड्स एक ऐसा यू कैन से एक ऐसा बहुत बड़ा समुंदर है, राइट? जो आपको आना ही चाहिए, बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो मैक्सिमम जो मार्केट कवर कर रखी है वो गूगल सर्च इंजन के जरिए है और यही एक जरिया है जहां से आप अपने राइट टारगेट तक जो है वो पहुंच सकते हो। देन आपके पास में यूट्यूब एड्स अगेन गूगल से ही जाएंगी। देन आपके फेसबुक एड्स, तो फेसबुक के पास में भी बहुत सारा ऑडियंस है तो फेसबुक एड्स भी आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद में इंस्टाग्राम मार्केटिंग की बात करें तो आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग आनी चाहिए, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर में बहुत ज्यादा अभी देखो ये ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट यू शुड नो ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के हाउ टू प्रमोट योर डिटेल्स एंड हाउ टू प्रमोट योर कॉन्टेंट और किस सभी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। इसीलिए बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंप्लीट फैब्रिक। ये भी आपका एक ऐसा फैब्रिक है जहां पे सभी तरफ से जो है थ्रेड्स आके मिल रहे हैं और फाइनली एक ऐसा मजबूत कपड़ा बना रहे हैं। तो यहां पर जो है आपको बिल्कुल ये मार्केटिंग के ये सारे थ्रेड्स हैं जो आपको लिंक दे सकते हैं, आपको ट्रैफिक का जो सोर्स है, मैग्नेट्स हैं ये आपके लिए, राइट? देन उसके बाद आपका यूट्यूब मार्केटिंग है ना। यूट्यूब मार्केटिंग एक अलग चीज है, यूट्यूब पे एड देना एक अलग चीज है। LinkedIn मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये जो है आपके लिए एक ऐसे 15 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर में आपको काम करना आना चाहिए। आपको ऐप मार्केटिंग जो करनी आनी चाहिए, आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे इन एंड आउट होता है, उसके यूआरएल्स के बारे में पता होना चाहिए, यूआरएल हमेशा आपके एसईओ फ्रेंडली वगैरह होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जब भी आप कहीं पर भी मार्केटिंग के लिए जाए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए जाए, तो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ये करते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन अगर आप ये करना नहीं आता है आपको तो डेफिनेटली आप फिर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, करीब 15 टॉपिक बता दिए मैंने आपको जिनको आपको कवर अप करना है, राइट? तभी आप एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर जो है आज की डेट में बन सकते हैं और आप अपनी ब्रांडिंग अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर और अ कंसल्टेंट, यू कैन डू दैट एज वेल।
आई होप गाइस पूरे 15 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर करें, नए हैं मेरे चैनल पे, और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट, एसईओ, गूगल एड मास्टरी और इन सब के बारे में जो है अगर आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।